क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, इसमें क्या दिया, पर्सन डिपोजिट 400 फॉर 2 ईयर्स, 550 फॉर 4 ईयर्स एंड 1200 फॉर 6 ईयर, ही रिसीव द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1020 रुपीज़, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अपन को सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला पता है क्या, SI इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला पता है, इसी फॉर्मूले में अपन वैल्यू रखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है उसको 1020, ये इंटरेस्ट मिल रहा है। पहले केस की बात करें, पहले केस में क्या हो रहा है, 400 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, कितने 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, दूसरे केस की अगर अपन बात करें, दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में 550 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है, कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। और तीसरे केस की बात करें, तीसरे केस में 1200 रुपये डिपॉजिट कर रहा है, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। ठीक है, ये हो गया पी आर ये 200, पी और टी इंटू 100। ठीक है, आर अकेला बचा तो आर का मल्टीप्लाई अपन अलग से यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, पूरे में आर तो सेम ही है क्योंकि आर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। अब थोड़ी सी काटा पीटी कर लेते हैं। ठीक है, 10 से तो 10 सब में कॉमन आके कट जाएगी। ठीक है, यहाँ से अपन ले लेते हैं 5 तो ये बचा 11, और यहाँ से ले लेते हैं 2 तो ये बचा 2। ठीक है, 5 2 10 हो गया, ये 0 हो गई और ये 0 हो गई, तीनों के 0 कॉमन आकर फिर 0 कट गई। अब इसका थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 8, 11 2 22, ये बीच में प्लस है। ठीक है, और 12 6 72 इंटू आर, ये कितना है, ये 1020। ठीक है, इसको प्लस करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी 102 आ रहा है इंटू आर, और ये 1020, ये कट जाएगा किससे, इससे कट जाएगा कितने टाइम, 10 टाइम, ये कट जाएगा 10 टाइम्स, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बराबर आ जाएगा अपना 10%। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है।